कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आने का आह्वान करने वाले बाबा जगरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने कहा कि प्रेमियों, इस समय गुरु के मिशन में आप सब लोग लग जाओ, क्योंकि ये बीच का समय अच्छा नहीं है। इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा जब सतयुग आएगा। लेकिन जब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा तो कलयुग अपने साथ कलयुगी लोगों को लेकर जाएगा। बहुत लोग मरेंगे, इसलिए आप लोगों को समझाओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ ताकि वो सतयुग देख सके। ने कहा है यश समझ करके और आप लोग सब प्रमुख काम में लगो, गुरु महाराज के मिशन को, काम को, नाम को आगे बढ़ाने में लगो। एक काम अगर यही कर ले गए तो गुरु महाराज कहा करते थे कि कलयुग में ही सतयुग आ जाएगा, तो फिर कोई काम की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप समझो सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब योगी विज्ञानी थे, क्योंकि उनको खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार खेत को जोत करके वो करके चले आते थे, फिर कोई चिंता नहीं। समय पर बादल आते बरस जाते, फिर बरस जाते, 90 दिन की, 120 दिन की, जितने दिन की यानी वो फसल होती थी इतने दिन में तैयार हो जाएगा, उतने दिन के बाद जाते थे काट करके ले आते। एक बार बोते थे और 27 बार काटते थे, बोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या था, फिर भजन करते थे, आपको तो रोटी की, रोजी की, आपको न्याय की, शिक्षा की, चिकित्सा की अन्य जरूरत है उसकी चिंता रहती है। जब ये सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी, व्यवस्था सही हो जाएगी, भारत देश का संविधान जब बना था तब बहुत समझो समय परिस्थितियाँ दूसरी थी, अब ये पुराना हो गया, समय परिस्थिति नहीं रह गई। ये संविधान के द्वारा तो सुख शांति चैन मिल ही नहीं सकता है, ये न्याय सुरक्षा ही नहीं दे सकते लोग, नियत को सही किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, नियम बदल जाएगा, यहाँ का भी नियम बदलेगा, धरती का नियम बदलेगा, ऊपर से भी कुछ नियम में परिवर्तन होगा, सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन ये बीच का समय खराब है। आप ये समझो कि एक कुर्सी पर दो राजा नहीं बैठ सकते, एक गद्दी पर दो राजा नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी पर दो अधिकारी एक साथ नहीं बैठ सकते, एक हटेगा तब दूसरा बैठेगा। तो जब कलयुग जाएगा तभी तो सतयुग आएगा, तो ले जाएगा बहुत लोगों को कलयुगी प्रेमियों को, जो कलयुग से ही प्रेम करते हैं, कलयुगी ही काम करते हैं, ले जाएगा उनको रगड़ता घसीटता हुआ, बहुत मरेंगे। प्रेत योनि में चले जाते हैं काल मृत्यु में, जो मरते हैं उम्र पूरी किए बगैर जो मरते हैं प्रेत बन जाते हैं, बाल जैसा मुंह होता है, खा ही नहीं पाते, पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, बहुत समय तक रहना पड़ता है। आप समझो हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहती हैं जीवात्माएं, सजा के लिए ही प्रेतों में प्रेत योनि मिलती है। तो आप समझो प्रेमियों कि संभर ही जाए तो सतयुग देखेगा कौन, इसलिए सतयुग के लायक कुछ लोगों को तो बना ही लो कि जैसे सतयुग देख लें। तो अगर सतयुग आ जाए धरती पर तो समझ लो फिर कुछ करने जरूरत आपको नहीं रह जाएगी। अब आने को तो कभी भी आ जाए, चुटकी बजाने में आ जाए, लेकिन मरेंगे बहुत, तो बचाना है, देखना भी है अपने को, दिखाना भी। आपके बहुत से घर के लोग ही सतयुग देखने के लायक नहीं बन गए, बन पाए, उनको तो कम से कम बनाओ, वो तो सतयुग देख लें, नहीं तो वही चले जाएंगे, उनके लिए मुंह में आप तड़पते रह जाओगे। तो ऐसा काम तो करने का अभी थोड़ा मौका है, आप मेहनत कर लो, सतयुग तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लोक पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, आप समझो सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, गुरु महाराज बराबर कहते रहे, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण, महात्मा की बात कहीं गलत होती है। एने ढेने पुख निक्षत्रे कर्कट राशि लिख दिया उन्होंने, किसने, जगन्नाथ दास ने, उड़िया में महात्मा हुए, उड़ीसा में लिख दिया उड़िया भाषा। ऐसे ही मैं आज आपको बता दूं, जिस दिन से देश में गौहत्या बंद होगी उसी दिन से समझ लो कि सतयुग आने की किरणें इस धरती पर पड़ जाएंगी, उसी समय
गौहत्या बंद हो जाएगी। गौहत्या ही नहीं, देश में कोई भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की दुकान ही नहीं होगी। आप ये समझो, मेरे कहने से बहुत से लोगों ने बंद कर दिया और दूसरा धंधा शुरू किया, अच्छी आमदनी हो रही, खूब बरकत मिल रही है, बता रहे हैं लोग। तो बस आदमी तो यही सोच लेता है, मैं नहीं करूंगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये तो सोचता नहीं है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता है, उसको तो भूल गए। आप उसको याद रखो, वो दे